नमस्कार, तो मेरा नाम है वंश शर्मा। स्कैम की और फर्जीवाड़े की खबरें कहीं कहीं से लगातार आती रहती हैं, लेकिन उदयपुर से जो खबर आई है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और इस पर रवीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस व्यक्ति के बारे में। तो दरअसल एक 24 साल का व्यक्ति है जिसने अपने पूरे गाँव को बताया कि वो IPS ऑफिसर बन चुका है, लेकिन वो IPS ऑफिसर नहीं बना था। आगे की बात करते हैं। IPS ऑफिसर के बनने के कारण जो कि लोगों को लगता था उसकी अच्छे से परिवार में एक सगाई भी हो गई, जिसके बाद भाई अब मैं आपको मामला बताता हूँ किस तरीके से वो फर्जी IPS बना और वो पकड़ा भी गया। बुधवार उदयपुर शहर के हाथीपोल थाना क्षेत्र का है मामला ये, जहाँ पर वो पकड़ा गया। तो दरअसल उस व्यक्ति का नाम है सुनील सांकला, कोटपुत्री का रहने वाला एक व्यक्ति है उदयपुर का, जिसका नाम है भाई सुनील सांकला। उसने बताया कि उसका जो है IPS ऑफिसर के तौर पर नाम आ चुका है और उसकी मुंबई में पोस्टिंग है, जिसके बाद भाई 1.5 साल तक का उसने अपने पूरे गांव वालों को यह बताया कि वो IPS ऑफिसर बन चुका है और वो IPS ऑफिसर के रुतबे में ही गांव में रहता था, जिससे उसके पड़ोसी आसपास वालों पूरे गांव को यकीन हो गया कि ये सही में एक IPS ऑफिसर है। जिसके बाद अब जो उसकी है सगाई का टाइम भी आ गया, उसकी सगाई भी हो गई, इसी के चलते कि वो IPS ऑफिसर है तो आसानी से सगाई भी हो गए। उसने गांव वालों को बताया कि UPSC के एग्ज़ाम में उसकी पूरी 263वीं रैंक आई है, जिसके बाद वो एक IPS ऑफिसर बन गया है। जिसके बाद अब देखिए उसने भाई कितना बड़ा स्कैम करा। उसने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी और राजस्थान के पूर्व चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत की तरफ से एक झूठा लेटर खुद से बनाया और उसमें अशोक गहलोत के और मनोहर लाल खट्टर जी के दोनों के खुद से झूठे साइन करे और खुद को एक बधाई का पत्र लिखा, जिसमें जो दिख रहा था व्यक्तियों को दिख रहा था कि राजस्थान के पूर्व CM और हरियाणा के CM उस व्यक्ति को यानी सुनील सांकला को बधाई दे रहे हैं कि वो IPS ऑफिसर बन गया है। जिसके बाद उसने ऑनलाइन साइट से एक पुलिस की वर्दी भी मंगाई और जिसके बाद भाई उसने अपने अखबारों में तक का अखबारों में भी झूठे किस्से छपवाए कि वो जो है IPS ऑफिसर बन गया था, ये वाले किस्से उसने अखबार में भी छपवाए थे। और जिसके बाद उसका अब फेसबुक पेज खंगोला गया। जब पुलिस ने उसका फेसबुक पेज खंगोला तो पता चला कि उस व्यक्ति ने खुद से झूठी खबरें डाल रखी है कि उसने कभी 2 आरोपियों को पकड़ा, कभी आरोपी इस आरोपी को पकड़ा, और खुद से ऐसी झूठी खबरें चला रखी थी, अखबार की कटिंग डाल रखी थी जो कि एकदम झूठी थी। देखिए ये व्यक्ति आखिर पकड़ा कैसे गया। 24 जनवरी को जब यह व्यक्ति सर्किट हाउस गया अपने कुछ साथियों को लेकर, शायद उन्हें भी नहीं पता था जो उसके साथी थे कि यह जो व्यक्ति है सुनील सांकला सही में IPS ऑफिसर है ही नहीं। गांव वाले व्यक्ति थे, उनको शायद नहीं पता था, उसने बता रखा था कि उसकी पोस्टिंग जो है मुंबई में है। वह अपने साले को और गांव के कुछ व्यक्तियों को साथ में लेकर गया और सर्किट हाउस तक का पहुंचा। सर्किट हाउस वो ऑटो से गया, जिसके बाद भाई वहां पर जब सर्किट हाउस में पहुंचा तो वहां के मैनेजर से उसकी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान उसकी काफ़ी ज़्यादा सिंप्लिसिटी दिखी, बात बात पे वो जी कह के बात कर रहा था और भी कई उदाहरण दिखे, जिसके कारण भाई सर्किट मैनेजर जो था उसको शक हुआ कि ये फर्जी IPS है, यानी कि IPS ऑफिसर नहीं है। हाथीपोल थाना अधिकारी को कॉल करा और कहा कि मुझे इस तरीके से शक हो रहा है। जिसके बाद भाई हाथीपोल थाना अधिकारी उस सर्किट मैनेजर के पास आया, उस समय वहाँ पर वो व्यक्ति सुनील सांकला भी मौजूद था। जिसके बाद भाई हम बातचीत करी तो अधिकारी को भी थोड़ा उसके बातचीत के तरीके से शक हुआ, जिसके बाद भाई थाना अधिकारी ने उसको दाएं हाथ से सैल्यूट करा, जिसके बाद भाई उस व्यक्ति ने सुनील सांकला ने बाएं हाथ से सैल्यूट करा और यहाँ पर उस अधिकारी को एकदम क्लियर हो गया कि यह व्यक्ति फर्जी IPS ऑफिसर बना हुआ है, यह कोई IPS ऑफिसर नहीं है। जिसके बाद जबरन उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसी के साथ उसके और साथी जो थे उनको भी गिरफ्तार करा गया। हालांकि इस पूरे मामले पर पत्रकार रवीश कुमार ऐसा लिखते हैं, देश के युवा अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, नेता अपने सपनों को। भारत एक ठग प्रधान देश है, ठगी की खबरों से भारत को देखिए, हंसी के फव्वारे फूटेंगे। इस पूरे मामले के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर 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 कर दें। और अगर आप मेरी आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो इस UPI के थ्रू आप मेरी आर्थिक तौर पर मदद भी कर सकते हैं।